अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो है हमारी वो है लेकर से रिलेटेड, और है लेकर के अलावा जो चीज़ आज हमारे पास है वो है वार्निश। हम आपको बताएंगे कि इसमें वार्निश के यूज़ेस क्या हैं और लेकर के यूज़ेस क्या हैं, और दोनों में से सूटेबल चीज़ कौन सी है। तो सबसे पहले बात हम वार्निश की यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं मुख्तसर सी, कि वार्निश ऑयल पेंट्स के लिए बेस्ट है, उनको प्रिजर्व करने के लिए। जब भी आप ऑयल पेंट से कोई काम करें, कोई पेंटिंग बनाएं, तो आप उनको प्रिजर्व करने के लिए वार्निश यूज़ कर सकते हैं। आप लैकर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट वार्निश रहती है फॉर ऑयल पेंट्स। उसके कलर्स कभी भी डल नहीं होते जब आप उस पर वार्निश की लेयर अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसको आप एक्रेलिक पे, मार्कर पे या किसी भी और मीडियम पे यूज़ नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए। इसे आप पेपर पे, शीट पे, किसी भी चीज़ पे, कैनवास पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप ऑयल पेंट से काम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इसको यूज़ मत कीजिए किसी भी और मीडियम पे, या लीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, ठीक है। और जहाँ तक बात रही लैकर की, आप लैकर को ऑयल पेंट्स पे, एक्रेलिक पेंट्स पे, इसके अलावा बाकी सब मीडियम, चारकोल प्रोटेक्ट करने के लिए, और किसी भी तरह का मीडियम, वाटर कलर से अगर आप काम कर रहे हैं, किसी शीट पे काम कर रहे हैं, किसी कैनवस पे काम कर रहे हैं, या आप टिकन पे काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, आप लीफ को और मार्कर्स को और कलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कलर लॉन्ग लास्टिंग रहें, आप लैकर यूज़ कर सकते हैं। कोबे या विन के लैकर्स बेस्ट रहते हैं। विन के लैकर्स आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हम कोबे के लैकर यूज़ कर रहे हैं। ब्रांड के बारे में आप सबने पूछा था कि ब्रांड कौन सा है, तो वो ये है, ये क्लियर लैकर है और एक्रेलिक लैकर स्प्रे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है ये। पेंट मार्कर या परमानेंट मार्कर, अगर उनसे आपने राइटिंग की है, आपने लीफ अप्लाई किया है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप राइटिंग करने से पहले भी, मार्कर से लिखने से पहले भी लीफ पे लैकर अप्लाई करेंगे, तो आपको मार्कर को डबल नहीं करना पड़ेगा, फिर उसकी कवरेज अच्छी आएगी सिंगल कोट में ही। और दूसरी चीज़ ये कि मार्कर को लिखने के बाद भी, इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आगे जाके जब लीफ लगा वो लीफ पे लेकर लगाऊंगी, तो आपको दिखाऊंगी मार्कर ब्लेंड करके, कि मार्कर ब्लेंड हो जाता है अगर हम नज़दीक से इसके ऊपर स्प्रे करें, तो हमें थोड़ा सा मोहतात रह के ये काम करना होता है। मज़ीद ये कि हम इसको तमाम तरह के मीडियम पे यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। वार्निश में सिर्फ ये है कि उसको हम ऑयल मीडियम के अलावा किसी मीडियम पे यूज़ नहीं कर सकते। लीफ पे यूज़ करेंगे तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा, मार्कर पे यूज़ करेंगे तो मार्कर ब्लेंड हो जाएगा, एक्रेलिक कलर पे यूज़ करेंगे तो उस पे एक्रेलिक से ज़्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शाइन आ जाएगी, और वो इतनी अच्छी रहेगी भी नहीं, क्योंकि एक्रेलिक पेंटिंग पे आजकल मॉडर्न टाइम्स हैं, तो सभी तकरीबन लीफ और मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। एक्रेलिक्स में कोई इस तरह का काम किया नहीं जाता कि जिसके ऊपर डायरेक्ट वार्निश की जाए तो वो कलर ख़राब ना हो, सॉरी मार्कर्स या लीफ ख़राब ना हो, क्योंकि मार्कर और लीफ तो यूजुअली यूज़ किए ही जाते हैं पेंटिंग में। अगर आपने उसके अलावा कोई काम किया, मतलब इसके बगैर कोई काम किया, तो उस पर आप ज़रूर वार्निश अप्लाई कर लीजिए, दूसरे मीडियम्स पे भी, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप सिर्फ लैकर यूज़ करें, और जहाँ आपको ऑयल पेंट्स का काम हो आप सिर्फ वहाँ वार्निश यूज़ करें। अब हम चलते हैं लैकर लगाने की तरफ, और इसके बारे में मज़ीद जो भी हमारे प्रिकॉशंस हैं और टिप्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि लैकर बहुत डेंजरस होता है। टू बी ऑनेस्ट, ये हमारे लंग्स को बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है इफ़ वी डू नॉट केयर अबाउट इट। तो हम लोगों को इसके बारे में बहुत मोहतात रहना है। जो प्रिकॉशंस हम आपके साथ शेयर करेंगे यू हैव टू फॉलो, और उसके साथ चलते चलते इंशाल्लाह आप इसको समझ भी जाएंगे और इससे बच भी सकते हैं, इसके जो भी खतरात हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसके सेहत पे बुरे असरात होते हैं, इतने बुरे कि हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो हमें बहुत ही ज़्यादा मोहतात रह के इस काम को करना है। अब आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से, कितने डिस्टेंस से और कितनी दफ़ा में लेकर को अप्लाई करना है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपको बताएंगे कि पेंटिंग पे लेकर लगाना है, और लेकर लगाने के लिए हमने क्या तरीका अपनाना है। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक ओपन एरिया है, आसमान आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये एक खाली, यानी इसमें कोई ऐसा इंडोर नहीं है, ये ओपन वे है, ओपन एरिया है जहाँ पे मैंने पेंटिंग को रखा है। और अभी मैं आपको पेंटिंग की तरफ लेके जाता हूँ।
आप देखिए सर सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन भी दिखाऊंगा आपको। ये है मेरी पेंटिंग, प्रदीप साहब एक मिनट पहले मुझे दिखा ले दीजिए, ये पेंटिंग है और इस पे अब हम इन्हें आपको लेकर लगाना जो है वो दिखाते हैं और कैसे लगाना है लेकर। ये आपने बिलखसूस ख़ास तौर से देखना है क्योंकि ये एक इंतहाई ज़्यादा जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए कि आपने कैसे लेकर जो है लगाना है। सबसे पहले तो ये हमारा ये एक ओपन वे है, रोड है, इसके करीब मेरा स्टूडियो है ना, तो गुजरते मुसाफिरों की ऊंची ऊंची आवाज़ें भी हमें साथ साथ सुनने को मिलती है, मेरे बर्ड्स भी और हमारे नेबर उनके बर्ड्स भी, इसलिए काफ़ी आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। पहले सबसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है मेरे पास मास्क, पर सब आप ज़रा ये बताइए कि ये मैंने मास्क लगाया है और ये देखिए मास्क लगाने के बाद ये मैंने, अच्छा जी पहले मैं दिखा दूँ, अच्छा मुझे सर्दी लगती है, सीधी सीधी बात है, लाहौर में ठंड हो गई हुई है और मैंने इधर पहनी हुई है हाई नेक टाइप ना, तो ये मैंने दो टिश्यू पकड़ लिए, अब एक और ले लेता हूँ। आप इसमें ये ज़रा देखिएगा, ये है तीन टिश्यू मैंने एहतियातन, अच्छा इसमें हल्के ऐसे डिस्टेंस होता है जो आपको साइनस के लिए थोड़ा कंफर्ट फील कराता है, लेकिन हमें यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए मास्क के साथ, ये वो एरिया जहाँ से हम सांस लेते हैं, यहाँ से इसकी जो हमारा जो लेकर की स्मेल या लेकर की जो शावरिंग है, फुहार है, वो हम तक ना पहुँचे, ठीक है। उसके लिए मैं आपको तरीकाकार भी, लेकर लगाना भी बताऊंगा। अभी आपने ये देखना है कि अभी तो मैं ये उतार लूँ ना, कि मैं आपको पहले हम इस पे लेकर लगाएंगे और कितने एरिए पे लगाएंगे, अगर कम फासला होगा प्रोड्यूसर साहब तो ये मार्कर बह जाएगा जी सर, और ज़्यादा शावर करेंगे और ज़्यादा शावर चलेगा तो ये मार्कर बह जाएगा, ये मैं आपको फासला बताऊँगा कि जहाँ ये मार्कर बह जाएगा और फिर ये फासला बताऊंगा कि जहाँ से रख के आपने इसे लेकर अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं, आप मुझे वो लेकर भी पकड़ाइए वो, हाँ जी ये देखिए, ये है हमारा, ये देखिए ये मैंने फोम के साथ, ये देखिए फोम के साथ ये सारा लीफ जो है वो रिमूव कर दिया, एक्स्ट्रा लीफ, ठीक है। अब आप, और ये मार्कर आप सबको दिखाने के लिए लगाया है कि आप सबको ये पता चल जाए कि अगर पेंटिंग में हमने परमानेंट या पेंट मार्कर से काम किया है तो उस पर हमने कैसे लेकर करना है, अदरवाइज ये सारा ब्लेंड हो जाएगा और सर आपको इसे ब्लेंड करके ही दिखाएंगे। पहले सर आपको दिखाएंगे कि इस पर थोड़ा सा स्प्रे करने से ये ब्लेंड नहीं होता। सर मैं दूसरी जगह पे लगाऊं मार्कर ताकि आप दोनों का डिफरेंस दिखा दें कि कौन सा ब्लेंड हो रहा है, कितने डिस्टेंस से और कितने डिस्टेंस से नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो स्टूडेंट ये हम पहले इसे लेकर को, ये कोबे कंपनी या विन कंपनी कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए अब इसे तो अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे, मिक्स करना किस लिए ज़रूरी होता है ये दिखाइए, अब मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है कि इसमें थिनर होता है, लेकर ऊपर थिनर ऊपर आ जाता है, लेकर नीचे बैठ जाता है, इसे अच्छी तरह आपने शेक कर लेना बिफोर यूजिंग। तो इसको तकरीबन एक से डेढ़ मिनट तक आप अच्छी तरह शेक करें या शफल करें और फिर उसके बाद आप इस पर अप्लाई करें। मैं थक तो गया हूँ, इट्स मेरे लिए तो एक ये बड़ा मेहनत तलब काम है। आप चले, आप जाएं और अब देखें कि हम, आप भी यहाँ से चले गए, हम यहाँ से ओपन एरिया है और मैंने सबको, प्रोड्यूसर साहब को भी साहबा को भी भेज दिया है, ये मैंने वो मास्क लगाया है, अब मैंने ये खुद को और प्रोटेक्ट करने के लिए टिश्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। अब आपने ये देखना है सबसे पहले कि ये कितने एरिए के बाद, ये देखिए ये देखिए ये कलर जो है ब्लेंड होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखिए ये फैल गया सारा, ये देख ले आप देख रहे हैं, मैं आपको इसको मज़ीद करीब करके दिखाता हूँ,
देखिए ये फैल रहा है। अब हमने कौन सा फासला रखना है, इसको ये 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 एक दफ़ा लगाया तोड़ दिया, ठीक है। अब फिर देखिए, अब हम ये फर्स्ट लेयर, ये बस फर्स्ट लेयर के लिए हमें ये देखिए, ये तकरीबन 12 से 14 इंच का फासला रखना है हमने फर्स्ट लेयर के लिए। फर्स्ट लेयर लगाने के बाद हमने इसे छोड़ देना है सूखने के लिए, और तकरीबन 10 मिनट या 5 कम अज़ कम, अगर धूप है और हवा है तो 5 मिनट, अगर नहीं तो 10 मिनट बाद इसे रिपीट कर लें। अच्छा अच्छा ये देखिए, फर्स्ट लगाने से मुझे काफ़ी मसला होता है, ये देखिए, ये देखिए। अब आप यहाँ से ये देखिए कि ये जो है, ये देखिए, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ब्लेंड नहीं हुआ कलर ना मार्कर, ये देखिए, और ये जो है ये बह चुका है नीचे सारा, ठीक है। आपने इसका ख्याल रखना है कि आपको इतना ज़्यादा इसको तरतीब के साथ आपने ये करना है, इतनी एहतियात के साथ करना है लेकर अप्लाई, कि हेल्थ इश्यूज़ भी जो हैं वो भी कोई ना हो, और साथ में आप इसको जो है लेकर भी आपका ठीक से लग जाए, ठीक है। अब पहले मुझे अपने मास्क लगाने की वजह से ना काफ़ी सारा सांस का मसला हो जाता है, क्योंकि मैं पहले ही पेशेंट हूँ, चेस्ट पेशेंट हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला होता है मास्क लगाने से। अच्छा और सब एक मिनट, मुझे पहले ना जरा थोड़ा दार बुलाई लेकर से रिलेटेड बाकी सारी डिटेल मैंने दूसरी वीडियो में बनाई है, मैं इस वीडियो के स्टार्ट पे अटैच करूंगी, और सर को ये वीडियो भी मैं बना रही थी लेकिन सर ने कहा कि सर ये मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि ये बच्चों को ये जरा इसकी जो SOPs है या प्रिकॉशंस है उनका ख्याल नहीं रखते। ये रहा मास्क, ये रहे टिश्यू, ठीक है। आप सब ने इसको अप्लाई करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप इसको एहतियात से अप्लाई करें, और बेहतरीन तरीके से अपनी हेल्थ, बच्चों का, बुजुर्गों का और खवातीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये आप सब देख लीजिए कि सर ने जहाँ पे लेकर ज्यादा किया था वहाँ मार्कर भी ब्लेंड हुआ है, और वहाँ से जो है लेकर भी उसमें थिनर भी छोड़ गया है सारा, और जहाँ सर ने थोड़ा किया था वहाँ मार्कर भी बिल्कुल ठीक है, और वहाँ पे लेकर को भी कोई मसला नहीं हुआ, वो बिल्कुल एक्यूरेट लग गया, लीफ भी प्रोटेक्ट हो गए। Okay. मजीद कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।